आजा कुसुम 11 देखते हैं। कुसुम 11 है 2017 का, क्या बोला देखो, पॉइंट 1 2 3, तीन ही पॉइंट है, फटाफट से पढ़ के खत्म करते हैं। पहला पॉइंट, परचेस गुड्स ऑफ फ्रॉम डी 18 पर बट इंटर्ड इन सेल्स डे बुक, बोला देखो, अकाउंट नहीं बोला, क्या बोला है, मतलब परचेस किए थे गुड्स, उसको गलती से सेल्स सेल्स की तरह मान लिए, सेल्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए। मतलब परचेस फ्रॉम डी एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, ये राइट एंट्री होना चाहिए था। गलती क्या कर दिया, डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, सेल्स डे बुक बोला, मतलब सेल्स की तरह मान लिया वो। रुको ना टाइम देंगे, अभी रुक जाओ, टाइम देंगे अभी। परचेस को सेल्स की तरह मान लिया, डे बुक का मतलब पूरा का पूरा सेल्स डे बुक में ट्रांसफर करता है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, कितना रुपया था, 18,000 रुपया, अट्ठारह हजार। देखो इसको ठीक करने का तरीका, एक बार बताओ, ये एंट्री पास करना चाहिए था जो एंट्री पास ही नहीं किया है, पहले इसको डाल दो, एकदम सिंपल, 18,000। इसमें किसी को कोई डाउट है। दूसरा गलती, सर ये एंट्री नहीं करना चाहिए था, कर दिया है, ठीक करते हैं, उल्टा एंट्री पास कर देते हैं, सेल्स को कर देते डेबिट, खत्म हो जाएगा, सेल्स को कर देते डेबिट, डी को कर देते क्रेडिट। बट डी को दो दो बार लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 36 लिख सकते हैं इसको। एंट्री क्या बन गया है, परचेस अकाउंट डेबिट 18,000 रुपया, सेल्स अकाउंट डेबिट 18,000 रुपया टू डी 36,000। चलो पॉइंट नंबर कौन सा, टू, एन आइटम ऑफ 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न हैज बिन रॉन्गली, एन आइटम ऑफ परचेज रिटर्न एंड रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज बुक, मतलब बताओ, परचेज रिटर्न का चीज को परचेज बुक में ट्रांसफर कर दी, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होता है। बताओ बताओ, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होता है, क्या परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, परचेज रिटर्न का एंट्री होता है, परचेज रिटर्न को क्रिएट करते हैं, और ऊपर में डेटर्स भी हो सकता है, ठीक है, कैश परचेज था तो कैश भी हो सकता है, कर क्या किया है, कैश या फिर डेटर्स, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना, छोड़ देते इसको, गलती कहां पे है, परचेज को डेबिट नहीं करना चाहिए था, कर दिया, ठीक, कैसे करें, क्रिएट करके। दूसरा गलती से, परचेज रिटर्न को क्रिएट करना चाहिए था, नहीं किया है, परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिए, ऊपर में क्या जाएगा, सस्पेंस, कितना कितना है बताओ, 25,000, नहीं सॉरी, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, और वहां पे 4,000, नहीं। ठीक है, बस बस बस, लास्ट एंट्री है अपना, क्या बोला, सैलरी पेड टू मिस्टर एम, मैनेजर है, सैलरी पेड किए, पहले उतार लिया ना, ये वाला उतार ली, चलिए उतार, जल्दी उतार, सर जल्दी, देखना, सैलरी पेड के मिस्टर एम एक मैनेजर था, उसको सैलरी पेड की, कितने रुपए का एंट्री क्या होना चाहिए था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मिस्टर एम कहां से है, एम्प्लॉयज का नाम थोड़ी लिखते हैं हम लोग, कर क्या दिए हैं, वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसके खाते में रिकॉर्ड कर दिए, मतलब सैलरी के जगह पे लिख दिए क्या, मिस्टर एम, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला तो कैश अपने जगह पे सही होगा, ठीक है, ठीक कैसे करना है सर, पहला पहला गलती, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, ठीक कर दे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सर एम को क्रेडिट डेबिट नहीं करना चाहिए था, क्रेडिट ठीक कर देते हैं, एम को क्रेडिट कर, खत्म, कितना रुपया बताओ, बस हो गया खत्म। ये 2017 का था, अब तो हम लोग पूरा का पूरा ईयर सॉल्व कर लिए, पूरा 2022 तक, ठीक है, 2015 से टोटल 2022 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ईयर।